हम लोग उस हालत में आ गए, भुखमरी पे आ गए, या तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे या तो वो अपराधी हम लोग को मार। दो फायर उस पर किया तो ये लोग फिर हमको पकड़ लिए, मंसूर अहमद, मेराज, दानिश हसनैनिया, पहलवान और सारी ये लोग पकड़ लिए हमको। मदद कोई चीज़ का नहीं, अपराधी पकड़ा नहीं गया, और जो उसके जेल से छूटे हुए हैं वो धमकी भी दे रहे हैं, हमने उसका वीडियो भी उनको हमने दिया। और परेशान है भैया, परेशान है। तो ये तुरंत पिस्टल निकाल के छोटे लो भाई के फायर कर दिया। जो छोटा वाला भाई था, वकील था, उसका जो है बच्चा हुआ था कैसियन हॉस्पिटल में, तो वहाँ से हम आए, निकले हॉस्पिटल से, तो आके हम बाईपास से हम बैठ गए। दो से आठ दिन उनको मीठा उठा खिलाने लगे, और हमको देख उतने में छोटा वाला भाई हमारा खाना लेने के लिए घर आया, तो घर आने लगा तो वो भी जो है हमको देखा तो रुक गया। उसके दो तीन वकील दोस्त भी आए हुए थे, तो वो भी अपन मिठाई उठाई देने लगे। इतने में जो है बगल में जहाँ हम लोग बैठे थे उसी के बहुत ज़्यादा 10 मीटर बगल में प्लांट है सिराचे में, वो देखा अपना वहीं उसी में मुर्गा दारू चल रही थी, तो ये अपना गुर्गों के साथ स्कॉर्पियो से और मोटरसाइकिल से और आया। तो पहले जो उसके बाद ये आते ही जो है गाली गलौज करना चालू कर दिया, तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, ये मेरा इलाका है, ये इंतर, तो इसी में भैंसी बहस होने लगी हमारी। तो छोटा वाला भाई बोला कि आपसे नहीं मतलब है, जब हम आप सबसे कोई मतलब नहीं है तो हम कहीं भी बैठे। तो ये क्या किया, उठते ही तुरंत छोटे वाले भाई को मार दिया दो तीन तमाचे। तुम्हारा तो हम गए थोड़ा सा बचाव बचाना करने के लिए, तो इनके साथ इनके पिताजी मंसूर अहमद, मेराज अहमद, सारिज, दानिश हसनैनिया, इकराम गाजी उफ पहलवान, प्रिंस, खैराबाद के तीन लड़के थे, शहजाद, सौराब, सलमान, पीओपी, ये लोग जब हम हाथापाई कर रहा था तो हम पहचाने गए, तो ये हमको पकड़ लिए। उतने में जब हाथापाई करने लगा तो ये तुरंत हम इनसे किसी तरह छुड़ा के पहुँचे उसको सिराज के पास, तो ये तुरंत पिस्टल निकाल के छोटे लो भाई के फायर कर दिया। दो फायर उस पर किया तो ये लोग फिर हमको पकड़ लिए, मंसूर अहमद, मेराज, दानिश हसनैनिया, पहलवान और सारी ये लोग पकड़ लिए हमको, पकड़ लिए। उसके बाद इसकी पिस्टल एक फंस गई, जो मेराज दिया था इनको, मेराज निकाल के दिया था हमारे दो साल वो लाइसेंस वाली थी, तो जब वो पिस्टल फंस गई तो प्रिंस के पास एक पिस्टल, तो प्रिंस को वो पिस्टल दिया, तो दो फायर हमें पर मारा, एक पेट में लगी एक पैर में लगी, तो जो गोलियां बची तो छोटे वाले भाई को मार दिया। हम लोग उस हालत में आ गए, भुखमरी पे आ गए, या तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे या तो वो अपराधी हम लोग को मार देगा। जब तक हमको सिक्योरिटी मिली है तब तक हम लोग हैं, जिस दिन सिक्योरिटी हट जाएगी जो है उस दिन हमारी हत्या हो जाएगी। और उसके बड़े गुर्गे हैं यहाँ भी, अभी उसके काफ़ी गुर्गे जो टहल रहे हैं जो उसको मदद कर रहे हैं, पैसे से, असलाह से, काफ़ी चीज़ों से उसकी मदद किया जा रहा है, तभी इतना दिन से वो अभी पकड़ा नहीं गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। एक साल हो रहा है धीरे धीरे आज़ाद हत्याकांड को जी, इस पे आप क्या बोलेंगे? आप उनके पिता हैं, क्यों विफल हो रही है पुलिस और क्यों नहीं पकड़ रही है, कुछ बताएं भैया। हम घटना जी एक साल हो गया, कल 6 तारीख हो जाएगी, तो एक साल हमारे बेटे की हत्या हुई गई, दूसरे बेटे का गोली मारा गया दोरैया, फिर अभी 6 तारीख को पिछले महीना ऑपरेशन हुआ, उतना ही बड़ा ऑपरेशन हुआ। और एक साल से मैं डीएम के पास कम से कम 80-90 दरख्वास्त लेके गया, हम दोनों जने, उसकी माँ, हम दोनों आदमी दौड़ते दौड़ते थक गए। डीएम भी हमसे जो है उल्टा सीधा कई वहाँ बोलती हैं। फिर एसपी साहब के पास मैंने 80-90 दरख्वास्त लेके गए, वहाँ मेरा हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
कोई मदद कोई चीज़ का नहीं, अपराधी पकड़ा नहीं गया। और जो उसके जेल से छूटे हुए हैं वो धमकी भी दे रहे हैं, हमने उसका वीडियो भी उनको हमने दिया, कप्तान साहब को दिया, कोई बात हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं फिर लखनऊ गया, डिप्टी सीएम से मिले, पाठक जी से, वो हमको, हाँ विजय पाठक सब से जो दिया, फिर वहाँ से हमने आए, हमको आश्वासन दिए, एक साल हो गया कोई कार्रवाई उसका नहीं हुआ। और ये अपराधी जो है जो भगा हुआ है, इस मौर्या का, स्वामी प्रसाद, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्या का लड़का के साथ है, और उसका लड़का पूरा साथ दे रहा है। मैं लखनऊ में इसका भी शिकायत किया, यहाँ एसपी साहब से मैंने शिकायत किया, वो सपा का है, सपा के आदमी हैं, और हम सब जो है भाजपा से मिले और जुड़े हुए हैं। जब से हम इसमें जुड़े तो मेरे दोनों बेटन को गोली मार दिया गया, हम गरीब आदमी हैं, अकेले हम कमाने वाले हैं, अब एक साल हो गया बैठे बैठे भीख मांग के खा रहे हैं, बेटे के दोहरैया पैसा लेके इधर उधर से फिर ऑपरेशन कराया। कोई भैया प्रशासन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस अपराधी को बचा रहे हैं। मैंने फिर कल भी मैं गया थाने पर, गए एसपी साहब के पास गए, हमने कहा कि सर ऐसे ऐसी बातें हैं, उनको पकड़ा जाए, कुछ ना, फिर वो एडिशनल एसपी साहब को दिए। हमने फिर परसों वहाँ गए, 6:30 बजे बुलाए, फिर कही नहीं आप सोमवार को आइए, हमको खाली दौड़ा रहे हैं, और वो अपराधी को बचाया जा रहा है। इसमें ये उसका रिश्तेदार जलीस है जो बहुत बड़ा वो अपराधी, और उसका पिता भी जो है, और वो माफिया है जमीन का, वो मुख्तार अंसारी के आदमी है, उसकी फ़ोटो भी है। हमने सब कुछ दिया, उसको सबूत दिया, कोई कार्रवाई नहीं। भैया जान का हमारे खतरा है, और हम चाहते हैं कि हम एक फिर अब मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात कर लें। हम कई बार गए वहाँ, मुलाकात नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब से एक फिर हमारी मुलाकात हो, हमको बुलाया जाए, मेरी समस्या को सुना जाए। और परेशान है भैया, परेशान है। उपयोगता आज़ाद की हत्याकांड को जो है एक साल होने को है, और इस मामले में क्या चल रहा है? मैं आज़ाद हत्याकांड में वादी उनके पिता की तरफ से अधिवक्ता हूं, और इन एक वर्षों में जितने मुजरिमान सिराज को छोड़ के, सिराज की गिरफ्तारी आज तक पुलिस नहीं कर पाई, बाकी जितने मुजरिमान हैं उनकी बेल जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ खारिज हो चुकी है, कुछ की हाईकोर्ट से हो चुकी है, और कुछ विचाराधीन है। मुकदमे में चार्ज बन गया है, और चार्ज बनने के बाद आज़ाद के पिता की गवाही इस समय चल रही है। जो आज़ाद अधिवक्ता जो हत्याकांड था उसमें जो मुजरिमान हैं उनके ऊपर कितने लाख का इनाम है, या कितने के नाम? 1,00,000 रुपए का इनाम मेरी जानकारी में संभवता सिराज अहमद पे है। अभी भी विफल है पुलिस, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, और पुलिस विफल है।